अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्लास जो थी वो हमारी हमने चैप्टर वन की रीडिंग एक्सप्लेनेशन की थी पेज नंबर वन से पेज नंबर थ्री तक, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड क्लास थी वो हमारी प्रैक्टिकल क्लास थी जिसमें हमने प्रैक्टिकल किया था। और आज थर्ड दोबारा हमारी जो है क्लास हम चैप्टर हम रीड एक्सप्लेन करूँगे ना आपको। और आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा यूनिट वन कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। तो क्लास उम्मीद है आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन और आपने प्रैक्टिकल जो है वो आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी, प्रैक्टिकल की आपने प्रैक्टिस की होगी और रीडिंग भी आपने एक्सप्लेनेशन भी की होगी। सो फर्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा पेज नंबर फाइव पे है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी सी डी रोम, ठीक है। सी डी रोम जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहते हैं, सी डी रोम इज ओनली मेमोरी इज डिज़ाइन टू स्टोर कंप्यूटर डेटा। ये किस लिए डिज़ाइन की जाती है? कंप्यूटर का डेटा स्टोर करने के लिए। इट कैन स्टोर टेक्स्ट ग्राफिक्स वीडियोस टेक्स्ट ईटीसी। यहाँ इसमें हम वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ग्राफिक्स भी इसमें है और टेक्स्ट भी हम इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा सी डी रोम इज़ अ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अप टू 1 GB, ठीक है। ये जो है इसके कैपेबल होता है, इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि एक लार्ज अमाउंट अपने अंदर स्टोर कर सके। इसके अलावा ऑल मोस्ट कॉमन साइज जो इसमें अवेलेबल है, मोस्ट कॉमन साइज इज 650 MB। इफ़ यू नीड अ सी डी रोम डिवाइस टू रीड अ सी डी, ओके। ऑल सी डी रोम हैव अ स्टैंडर्ड साइज एंड फॉर्मेट। इसका स्टैंडर्ड साइज और फॉर्मेट होता है, सो द यूज़र कैन लोड एनी टाइप ऑफ सी डी रोम इन टू द सी डी रोम डिवाइसेस, ठीक है। इसका यूज़र जो है एनी टाइप ऑफ सी डी रोम जो है वो डिवाइसेस में एड कर सकता है। और सामने आपकी पिक्चर है सी डी रोम की। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है डी वी डी रोम, जिसे डी फॉर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये भी ऑल्सो जो है लार्ज अमाउंट डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एंड इट इज़ अ सिमिलर टू सी डी रोम, ठीक है। ये जो है वो सिमिलर किसकी होती है? ये सिमिलर होती है हमारी सी डी के। ये हमारी डी वी डी और ये डी वी डी जो है सिमिलर भी है सी डी के, यानी दोनों एक जैसी ही नज़र आती हैं। सी डी रोम बट इज़ अ लार्जर कैपेसिटी इसके अंदर, बट ये सिमिलर तो है, इट इज़ सिमिलर टू अ कॉम्पैक्ट डिस्क रीड मेमोरी सी डी रोम, बट हैज़ अ लार्जर कैपेसिटी इसके अंदर इससे ज़्यादा कैपेसिटी है। इट स्टोर अराउंड 4.7 GB ऑफ डेटा। यह कम अज़ कम 4.7 GB डेटा जो है इसके अंदर स्टोर होता है। इट स्टोर डेटा फाइल्स परमानेंटली, और यह परमानेंटली जो है अपने अंदर डेटा फाइल्स को स्टोर करती है, ओके। थर्ड है हमारे पास यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसे हम कहते हैं USB ड्राइव, और ये तमाम स्टूडेंट ने देखा होगा, ये बहुत यूज़ की जाती है। इट इज़ प्लग एंड प्ले पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। प्लग एंड प्ले यानी इसको जब प्लग किया जाता है तो जब ये प्ले होती है, यानी जब अगर आपको फाइल को जो है आपको कहीं और आपको शिफ्ट करना हो तो इसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। व्हेन द यूज़र प्लग द डिवाइस इनटू अ यूएसबी पोर्ट, यूएसबी पोर्ट के लिए आप हमने पहले पोर्ट्स के बारे में पढ़ा था। यूएसबी पोर्ट को जब सीपीयू में प्लग किया जाता है तो कंप्यूटर सिस्टम आइडेंटिफाई एज अ रिमूवेबल डिस्क, और तो कंप्यूटर सिस्टम उसको कैसे शो करता है? रिमूवेबल ड्राइव के जरिए उसको शो करता है। एंड इट स्टोर लार्ज डेटा, एक लार्ज डेटा जो है ये स्टोर करता है, जिसे 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB एक्सेट्रा, ठीक है। एक लार्ज डेटा जो इसके अंदर यूज़ किया जाते हैं, जिसे हम USB कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके बाद हमारे पास सिक्योर डिजिटल कार्ड। सिक्योर डिजिटल कार्ड्स एवरीवन यूज़ इन दिस एरा, हर कोई इसको यूज़ कर रहा होता है। ये हमारे अक्सर जो है मोबाइल फोन्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसको SD कार्ड इज अ मिनी फ्लैश कार्ड डिजाइन टू प्रोवाइड हाई कैपेसिटी मेमोरी इन द स्मॉल साइज। स्मॉल साइज में ये हाई कैपेसिटी मेमोरी जो है प्रोवाइड करता है। डिफरेंट डिवाइसेस रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ SD कार्ड। डिफरेंट डिवाइसेस में डिफरेंट साइज SD कार्ड वेरी इन स्पीड, फिजिकल साइज एंड कैपेसिटी टू स्टोर डेटा। देयर आर मोस्टली यूज इन स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस सच एज डिजिटल वीडियो। अब ये मोस्टली यूज किया जाता है ये, और इन स्मॉल पोर्टेबल डिवाइसेस, और ये बहुत सारी डिवाइस लाइक कैमरा में, मोबाइल में, टैबलेट में, फ़ोन्स में, कंप्यूटर में ये यूज़ किया जाता है। इसके अलावा
अब ये आप पेज नंबर जो जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पेज नंबर 5 से पेज नंबर 6 तक, ये आप देख लीजिएगा, इसको अच्छी तरह से रीड कीजिएगा इसके। और आपका जो होम असाइनमेंट वो है ड्रॉ डायग्राम ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑन अ चार्ट पेपर। ये मैंने पहले भी दिया था, ये वर्कशीट बना के दिया था, बट किसी ने भी इसको नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको आप कर लीजिएगा। होम असाइनमेंट है आपका, सेकेंड चैप्टर है हमारा। उसके अलावा आपको एक और वर्कशीट है आपकी क्वेश्चन आंसर की, उसको भी कर लीजिएगा, ईजी वर्कशीट है। और इस ये थर्सडे तक इंशाल्लाह उसको जमा करवा दें ताकि मैं देख सकूं कि आप लोगों को आया है या नहीं। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है प्रैक्टिकल के हवाले से, क्लासेस के हवाले से, तो थर्सडे आकर आप मुझसे मिल सकते हैं और इसके मुताबिक पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर तक।